दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 लास्ट वीकेंड एक घटना घटी थी जो थी शहनाज गिल के साथ। सलमान खान के उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की थी और उन्हें पॉइंट आउट करके बात भी की थी। इसके बाद सलमान ने शहनाज को माफ तो किया, लेकिन क्या सच में शहनाज ने अपनी गलतियां नहीं दोहराई? दरअसल शहनाज को कहा गया था कि आप हाथ ना उठाएं, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनके हाथ उठाने वाले वीडियो को कई बार दिखाया गया, लेकिन एक ही दिन बीता था, 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि फिर शहनाज ने सिद्धार्थ को जोरदार चमाटा लगा दिया। और इस बार भी सिद्धार्थ ने कुछ खासा रिएक्ट नहीं किया, बल्कि दूरी बनाने की कोशिश की। यूं है कि शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को साफ तौर पर कह दिया कि मैं तो तुझसे ही प्यार करती हूं, घर में एक महीने का वक्त बचा हुआ है, वो मैं तेरे साथ ही स्पेंड करना चाहती हूँ। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज से काफ़ी तौर पर दूरियां बनाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो दूरी इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि शहनाज को भी बुरा ना लगे, क्योंकि ये जो फीलिंग है ये म्यूचुअल नहीं है, ये एक तरफा है। और शहनाज इस फीलिंग को लेकर खुद को कुछ नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि कई बार वो खुद को थप्पड़ मारते हुए भी नज़र आती हैं। यही चीज़ का खुलासा उनके पिताजी भी घर में करने आए थे और उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि भाई तेरी मम्मी ने तो एक दो बार ही किया ये सब, तू तो हर दूसरे दिन करती रहती है, ये बेटा सही नहीं लगता टीवी पर। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला को अप्रिशिएट किया कि सिद्धार्थ शुक्ला तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छा ख्याल रखते हो, इसी तरीके से मेरी बेटी का ख्याल रखो। दूसरी ओर शहनाज अब कितने प्यार में है ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद कौन किससे कितना मिलता है ये चीज़ डिसाइड करती है कि आप कितने प्यार में। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं बिग बॉस के वीकेंड का वार एपिसोड के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यही मिलती है बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।